क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने में अब दो महीने बचे हैं। इन दिनों क्रिकेट के फैन वेस्ट इंडीज का ट्रैवल प्लान बनाने में जुटे हैं। ट्रैवल कंपनियों के पास उनके लिए ऑफर्स की कमी तो है नहीं, लेकिन बुरी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया में हुए पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए आपको दोगुना या उससे भी ज्यादा पैसे देने होंगे। बिजनेसमैन मुकेश भल्ला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए चीयर करने वेस्ट इंडीज जाएंगे। उनके पास क्रूज के साथ पैकेज लेने की भी चॉइस है। 8 से 12 दिन की क्रूज ट्रिप के लिए उन्हें 3.5 से 6 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। इसमें एफए के साथ रहना, खाना पीना और मैच टिकट शामिल होंगे। लग रहा है वर्ल्ड कप जाने इसमें थोड़ा महंगा पड़ेगा मुझे, बट लाइक आई एम क्रिकेट क्रेजी, सो आई विल गो बियॉन्ड माय रीच टू रीच एनीवेयर टू सी द वर्ल्ड कप लाइव। 23 दिन 24 रातों के टूर के लिए ट्विन शेयरिंग बेसिस पर आपको 3.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अगर आप अकेले कमरे में रहना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर 2.5 से 3 लाख रुपए देने होंगे। एयर टिकट का खर्च अलग है। इकोनॉमी क्लास के रिटर्न टिकट की कीमत लगभग 80,000 रुपए और बिजनेस क्लास की 1.5 लाख रुपए है। 8 से 9 दिन के ट्रिप के लिए आपको 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। आने वाले महीनों में जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आता जाएगा वैसे वैसे बुकिंग्स बढ़ती जाएंगी। जितना वर्ल्ड कप आपका नजदीक आते जाता है लोगों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। अगर वर्ल्ड कप में इंडिया का परफॉर्मेंस अगर जितनी आप क्वालिफाई करते जाते आगे उसके अकॉर्डिंगली आपका लोगों के अंदर क्रेजनेस आपका बढ़ता जाता है और लोग उसी अकॉर्डिंगली आपको बुक कराते हैं। इस बार वर्ल्ड कप देखने जाना आपको पिछली बार के मुकाबले महंगा तो जरूर पड़ेगा, लेकिन ट्रैवल एजेंट्स को उम्मीद है कि अपना फेवरेट गेम और कैरिबियन जैसी एक्जॉटिक लोकेशन को एंजॉय करने के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं और उनको बड़ी तादाद में बुकिंग जरूर मिलेंगी। प्रियंका चौधरी, दिल्ली।